sum of areas of two squares is 468 meter square. If the difference of their perimeters is 24, then find the sides of two squares. Now focus here. Sum of areas of two squares. तो नाउ हमें मालूम है कि एक स्क्वायर मैंने मान लिया, ये मेरे पास अगर इसकी साइड एक्स है और इसकी साइड वाई है, ठीक है ना। अब अच्छे से फोकस करना कि यहाँ जो काम की बात है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दिया है मेरे पास, 1468 दिया है। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई कैसे जाए। If difference of their perimeter is 24, difference perimeter का मतलब क्या है कि sides का sum, तो ये 4x, तो 4x difference 4y, ये मेरे पास कितना है, ध्यान से समझिए, 4x difference 4y की value कितनी है, 24 है, ठीक है ना, जो ज्यादा है। Let my symmetric है तो x greater than y मान के चल रहा हूँ, वैसे तो symmetric है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नाउ जो बड़े साइज, तो x माइनस वाई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, ये 6 है। इन दोनों की हेल्प से मैं आसानी से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकता हूँ, कोर यही है। नाउ फोकस हियर, कोई ना कोई तो ज्यादा होगा, इक्वल भी आ सकते हैं। तो ये मैंने एक्स स्क्वायर किया और यहाँ क्या लिख दिया, वाई 6 प्लस y के प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 6 का होल स्क्वायर, x माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लाइक y की वैल्यू कितनी आएगी, x माइनस 6 आएगी, नो प्रॉब्लम। एंड यहाँ ये मेरे पास 468 आ गया। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, 2x स्क्वायर आएगा माइनस 12x आएगा एंड प्लस 36, ये प्लस 36 आएगा और माइनस 468 आएगा equals to zero। तो now अगर मैं x square से इसको quadratic में convert करता हूँ, तो ध्यान से देखिए x square 2 गायब कर दिया, minus 6x आया, और ये चलो subtract करके बाद में लिख दूंगा, ये 18 आया, यहाँ पे आ गया 234 आ गया और equals to zero। तो x square minus 6x and ये मेरे पास कितना बचेगा, ये 14 में से 8 गए तो 6 आएगा और 1 आएगा और ये कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 216 एंड ये मेरे पास आ गया। ओके, तो अब कैसे किया जाए कि 216, अब इसको फैक्स ये सॉल्व करना पड़ेगा हमें, x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 216, ठीक है ना। तो फोकस हियर कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए इसे फैक्टराइज क्या हम कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये मेरे पास अगर मैं इसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 24x एंड प्लस 18 माइनस 216 एक्स इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 24 आ गया, सही है। और यहाँ से मैंने क्या किया, 8 कॉमन लिया तो x माइनस कितना आएगा, x माइनस 2 और कितना आएगा, 16 है और 5 बजे 8 साफ 16 नहीं होगा, मुझे लगता है कि जो रूल रहता है उसकी हेल्प से हम इसे करते हैं, अच्छे से फोकस करना वो ज्यादा बेटर रहेगा, बस फैक्टराइजेशन से भी हो जाएगा लेकिन ज्यादा बेटर ये रहेगा उससे करते हैं। देखिए x equals to यहाँ से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए x equals to मेरे पास आएगा 6 minus b plus minus b square, b square b square का मतलब क्या, 36, 4ac minus 4ac plus plus 4 into 216 by 2, okay। तो minus वाला तो ज्यादा हो जाएगा, positive भी accept करेंगे तो ये आएगा 3 plus वाला कितना आएगा, 3 प्लस यहाँ पर देखिए कितना आएगा, ये 4 12 आ जाएगा, 4 बाहर जाएगा और 4 और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 4 52 आ जाएगा, तो 64 और 8 ये कितना आया, 2 यहाँ पे अगर 4 बाहर लेंगे तो
नाइन आएगा, नाइन नाइन आएगा यहाँ पे, ठीक है ना, एंड नाइन आएगा, और यहाँ पे अगर मैं फोर तो फोर बाहर लूंगा तो 216 ही आएगा, ठीक है ना, तो 216 ही आएगा, और फोर बाहर ले रहे हैं तो ये टू बाय होगा, थ्री आ जाएगा। तो ये मेरे पास फाइनली कितना आया, ध्यान से देखिए, थ्री प्लस ये कितना आ गया नाइन, और ये फाइव आया, और ये कितना आएगा टू, और टू और टू टू फाइव आ गया, तो ये आंसर कितना आएगा थ्री प्लस 15, तो ये मेरे पास 18 आ गया। निगेटिव क्यों नहीं, ये निगेटिव क्यों मैंने एक्सेप्ट किया, ये क्यों निगेटिव है, वो इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया, साइड ऑफ स्क्वायर है तो, और एक साइड मेरे पास अगर 18 आ गई तो जो वाई की वैल्यू है वो कितनी है, एक्स माइनस सिक्स है, तो साइड लेंथ एक मेरे पास 18 होगी और एक 12 होगी। ओके, तो यहाँ पर जो कोर पार्ट था प्रॉब्लम का, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो ये था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने कैसे, ये मैंने ऐसे किया और डिफरेंस दिया एक को बड़ा, कोई ना कोई तो बड़ा होगा ही, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम में क्या दिया है उसके हेल्प से मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना है, और उसके बाद काफी तरीके जो हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, उनकी हेल्प से कोई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे क्या यूज किया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मैं हमेशा इस तरीके से निकाल सकता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, श्रीधराचार्य का ये रूल है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम इससे रूट्स निकाल सकते हैं। ओके okay?